नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर हरदोई से। पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की मूल्य वृद्धि से आक्रोशित समाजवादियों ने आज हरदोई नुमाइश चौराहे पर दुपहिया वाहन व गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि देकर भाजपा में मिली कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ विरोध जताया। समाजवादी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिलाध्यक्ष रामज्ञान गुप्ता के नेतृत्व में दोपहिया वाहन व गैस सिलेंडर को माला, अगरबत्ती आदि चढ़ाकर कहा कि जब इस कमर तोड़ महंगाई में पेट्रोल, डीजल और गैस भी इतना महंगा हो तो फिर दोपहिया वाहन और गैस की क्या जरूरत रह जाएगी। रामज्ञान गुप्ता ने कहा कि लगातार सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता पेट्रोल डीजल होने के बावजूद देश में रोज डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। समाजवादियों ने श्रद्धांजलि देकर पेट्रोल डीजल वृद्धि वापस लो, पेट्रोल डीजल जीएसटी में लाओ, गैस मूल्य वृद्धि वापस लो, महंगाई की मार मत मारो के नारे भी लगाए। रामज्ञान गुप्ता ने कहा कि इस विरोध के माध्यम से भाजपा सरकार की संवेदनहीनता व विफलता को उजागर कर रहे हैं और सरकार की कानों तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि जनता त्राही त्राही कर रही है। सपा नेता रामज्ञान गुप्ता ने कहा कि भाजपा शासन में एक तरफ जहां व्यापारी, दुकानदार, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा आमदनी के लिए परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतें बढ़ाकर साबित कर रही है कि उनको जनता की आम जरूरतों से कोई लेना देना नहीं है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें न्यूनतम पहुँच गई है, तब भी भाजपा सरकार ने देश की 130 करोड़ जनता को कीमतों में कोई राहत नहीं दी है। हम सबकी मांग है कि केंद्र की भाजपा सरकार पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ी कीमतों को वापस लेकर तत्काल अपने वन नेशन वन टैक्स के वादे अनुसार पेट्रोल, डीजल, गैस को जीएसटी में लाकर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार ही डीजल, पेट्रोल, गैस बेचे। इस मौके पर समाजवादी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष सुधीर गुप्ता, मिन्ना मनोज यादव, उमेश यादव, शिवम गुप्ता, मोहित यादव, पंकज यादव, आकाश गुप्ता, रामशंकर यादव, शाहिद खां, वीर बहादुर सिंह, आशुपाल, संदीप गुप्ता, अखिलेश गुप्ता, दीपक गुप्ता, सोनू गुप्ता, शिशुपाल वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। हरदोई से श्यामू राजपूत की खास रिपोर्ट।